नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। केरल नाव हादसा, एनडीआरएफ ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर किया सर्च ऑपरेशन। केरल में टूरिस्ट नाव के डूबने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 4। पैराशूट से कूदा पायलट, अस्पताल में हुआ भर्ती। द केरल स्टोरी को प्रतिबंधित करने की मांग को शबाना आजमी ने बताया गलत। यूपी के 20 जिलों में PFI के ठिकाने पर ATS के छापों में 70 से ज्यादा लोग हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट आज 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई। तूफान मौका का 3 राज्यों में अलर्ट, तेज हवा के साथ बारिश के आसार, सभी को किया सचेत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मणिपुर हिंसा का मामला, आज 2 याचिकाओं पर हो सकती है सुनवाई। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ रुपए के गबन के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेसी नेता हुआ गिरफ्तार। IPL रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीती हैदराबाद की टीम, राजस्थान को दी मात। और 7 सितंबर को रिलीज होगी शाहरुख खान की फिल्म जवान, धांसू मोशन पोस्टर के साथ किया फिल्म का ऐलान।